हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स PIB प्लस हिंदू एनालिसिस 25 अक्टूबर 2017 ब्रॉट टू यू बाय मी केतन गर्ग। तो PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने की चिंता मत करना। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपका अगर कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट है तो वो आप क्लेरिफाई कर सकते हो, और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल के डिस्कशन पेज पर भी आप अपने जो है क्वेरीज वो पोस्ट कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले GS1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वीन ऑफ ठुमरी गिरिजा देवी डेड, ठीक है। तो ये एक गिरिजा देवी जी थे, ये इनकी अभी डेथ हो गई है। तो ठुमरी में इनकी जो थी एक्सपर्टाइज थी, इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। अभी तक इनको 3 अवार्ड्स मिल चुके थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो आपके पद्मश्री 1972 में मिला, पद्म भूषण 1989 में मिला, और पद्म विभूषण 2016 में मिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनकी डेथ को जो है कंडोलेंस इनकी डेथ पर दी है। तो अपने लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं कि ठुमरी क्या होता है, ठुमरी के बारे में जानना अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठुमरी जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक, ठीक है। प्रॉपरली इसको हम प्योर क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक से नहीं मिलती हैं, एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। लेकिन इसको सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक बोला जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस विद अदर क्लासिकल म्यूज़िक टाइप्स, ठीक है। कॉम्पोजिशन जो इसका मेनली होता है, वो आपको रोमांटिक और डिवोशनल थीम्स रहती हैं। इंस्पायर ये भक्ति मूवमेंट से हुआ था, उसी टाइम पे मेनली इसका जो इसमें डेवलपमेंट हुई थी सारी इस ठुमरी म्यूज़िक में, वो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ही हुई थी। तो अगर आप ज़्यादातर देखें, ये जो म्यूज़िक होता है इसमें गर्ल्स डिवोशन फॉर कृष्णा, जो लॉर्ड कृष्णा है उनके लिए आपको वो थीम मिलेगी। लैंग्वेज ऑफ कॉम्पोजिशन दो होती थी, या तो हिंदी और अवधी डायलेक्ट रहता था, या ब्रजभाषा डायलेक्ट रहता है आपका ठुमरी म्यूज़िक में। यूजुअली जो है इसको फीमेल वॉइस में गाया जाता है। इनको अलाउज द सिंगर टू इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ऑफरिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी विद द रागाज। इसमें आपको ठुमरी में काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है ये, जो इम्प्रोवाइजेशन में हेल्प करता है। जो आपका परफॉर्मर होता है वो रागाज में इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है परफॉर्मेंस के टाइम पे, जो बाकी के जो क्लासिकल म्यूजिक्स हैं वो ऑफर नहीं करते। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं ठुमरी के लिए। एक होता है आपका पूर्वी ठुमरी, ये स्लोअर टेम्पो में रहता है, थोड़ा स्लो म्यूज़िक रहता है, और पंजाबी ठुमरी आपका जो रहता है फास्ट एंड लाइवली टेम्पो में रहता है। वैसे भी अगर कहीं पर पंजाबी आ जाता है तो वो थोड़ा फास्ट और लाइवली हो जाता है। तो ये आपकी दो इसमें आ जाते हैं टाइप्स। और मेन जो इसमें आपके जो घरानाज होते हैं, वो आपका एक होता है बनारस घराना और लखनऊ घराना। अभी हमने पीछे देखा था कि जो हमारी गिरिजा देवी जी हैं, ये बनारस घराना से थे। तो आपके लिए प्री के लिए इसमें क्या सवाल पूछा जा सकता है, आपसे सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि उसमें आपको कॉम्पोजिशन में ये दे देंगे कि कॉम्पोजिशन की थीम्स क्या होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रोमांटिक और डिवोशनल होती हैं, ठीक है। और डायलेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, कौन से टाइप ऑफ म्यूज़िक के अंडर आता है, हिंदुस्तानी या कर्नाटिक। तो आपको वो पता होना चाहिए कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक टाइप के अंडर ही आता है, ठीक है। दो टाइप्स कौन से टाइप्स हैं, और घरानास कौन से हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जो है डिटेल बस होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं GS4 के बारे में। तो GS4 जो हमारा एथिक्स वाला पेपर होता है, उसके रिलेटेड आज कुछ हमारे पास एक न्यूज़ थी, डॉक्टर्स पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूशन वॉयलेट्स मेडिकल एथिक्स IMA। अब जनरली क्या होता है, जब किसी को फांसी चढ़ाई जाती है तो फांसी चढ़ाने के टाइम पे वहाँ पर पुलिस वालों के साथ साथ कुछ डॉक्टर भी होते हैं। तो जब उस आदमी को फांसी चढ़ा दी जाती है तो उन डॉक्टरों का मेनली जनरली काम ये रहता है कि वो उसको जाकर चेक करें कि उसकी कंप्लीट डेथ हो गई है या अभी सांस बाकी है, ठीक है। तो ये जो है उन फिजिशियंस का वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं वो, और उनका यही काम रहता है। तो अब जो इसमें शुरू से जो ये डेथ पेनल्टी होती है, इसमें शुरू से एक एथिकल कंसर्न रहा है, डिबेट चलती रही है पूरी दुनिया में इस पर। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उनके मेंबर्स ने भी अभी ये है डिबेट को उठाया है। तो जो ये नेशनल बॉडी है इंडियन मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर्स की, उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक स्टेटूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, उनको रिक्वेस्ट किया है कि फिजिशियंस की वहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए एग्जीक्यूशन के टाइम पर, और ऐसी कोई भी पार्टिसिपेशन वो अनएथिकल है उनके प्रोफेशन के लिए, ठीक है। तो इंडिया में होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हैंगिंग के टाइम पे फिजिशियन को वहाँ पर अवेलेबल रहना पड़ता है। अब IMA वाले जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, उनके मन में एकदम से तो ये सब बातें नहीं आ गई हैं। ये बातें पूरी दुनिया में एक एथिकल कंसर्न शुरू से चलता आ रहा है। तो IMA's लेटर कम्स इन द वेक ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशंस WMA, जो आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी है, रीअफर्मेशन ड्यूरिंग इट्स जनरल असेंबली इन शिकागो US। अभी रिसेंटली अक्टूबर 14 के टाइम पर ये मीटिंग हुई थी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की।
तो उधर ये स्टेटमेंट दी गई थी, अगर आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में देखें, इट इज़ अनएथिकल फॉर फिजिशियंस टू पार्टिसिपेट इन कैपिटल पनिशमेंट इन एनी वे और ड्यूरिंग एनी स्टेप ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूडिंग इट्स प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड और ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन। तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो किसी को ट्रेन करने के लिए दी जा रही हो कि आपको इस तरह से फांसी देनी है, या उसकी एग्जीक्यूशन में उनको हेल्प किया जा रहा हो, या कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा रही हो उस एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो वो आपका अनएथिकल होता है। अपोजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डॉक्टर्स इन एनी फॉर्म, द WMA केम आउट विद अ रेजोल्यूशन ऑन फिजिशियन पार्टिसिपेशन इन कैपिटल पनिशमेंट। 1981 में ये एक रेजोल्यूशन लेके आए थे, उसमें भी इन्होंने यही बात की थी। फिर इसको अमेंड करके 2008 में भी ये लेकर आए थे, उसमें भी WMA ने यही बात की थी। फिर 2012 की अपनी जनरल असेंबली में भी जो WMA है उन्होंने इसको दोबारा से रिकनसाइल करके यही बोला था कि फिजिशियंस की पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए एग्जीक्यूशन के टाइम पे और ये अनएथिकल है। और IMA अब क्योंकि फाउंडर मेंबर है WMA का, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का, हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो फाउंडिंग मेंबर है, तो उनको, उनके ऊपर अब ये मजबूरी है कि उनको ये फॉलो करना ही पड़ेगा जो WMA ने रेजोल्यूशन पास किया है। अब ऐसे किसी भी, इसको अनएथिकल क्यों कहा जाता है या एथिकल कंसर्न्स इसमें क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि फॉर अस देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ प्रिजनर और अ कॉमन पेशेंट एंड आर पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूशन इज अगेंस्ट द कोर टेनेट्स ऑफ मेडिकल एथिक्स ऑफ डू नो हार्म एंड डू गुड। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसके अंडर हम ये नहीं देखते हैं कि कोई आदमी महान है या कोई आदमी जो है वो बुरे काम कर कर आया है, हमें सबको ट्रीटमेंट करनी होती है बिना उसका बैकग्राउंड जाने, ये हमारा प्रोफेशनल एथिक्स होता है। और किसी को ऐसे फांसी देना, किसी को ऐसे मारना, वो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो अलाउ नहीं करता, और इसीलिए एग्जीक्यूशन में जो फिजिशियंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद GS3 देख लेते हैं। GS3 में अब सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन की बात कर दी है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनको रिकैपिटलाइज करने की सरकार बात कर रही है। तो कैबिनेट ने अभी कल ही अप्रूव किया है रिकैपिटलाइजेशन। तो रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार कह रही है कि 2.11 करोड़ रुपीज़ जो है वो बैंक्स में डाला जाएगा, ठीक है। तो 2.11 करोड़ रुपीज़ जो है वो इंजेक्ट किए जाएंगे जितने भी आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो वो दो साल में आपका ये 2.11 लाख करोड़ रुपया उनके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। अभी 2.11 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा, इसमें से अगर आप देखें तो 1.35 लाख करोड़ विल बी थ्रू सेल ऑफ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। सरकार रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स निकालेगी और उनको सेल करेगी, जिससे वो 1.35 लाख करोड़ रुपीज़ लेकर आएंगे। और जो 76,000 करोड़ रुपये होंगे वो आपके आएंगे फ्रॉम बजटरी सपोर्ट, जो सरकार अपने बजट से सपोर्ट करेगी, एंड इक्विटी इशुएंस, इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू करके जो बैंक्स हैं वो अपने एंड पर इक्विटी शेयर्स करेंगे, और वहां से 76 करोड़ रुपीस जो है वो आपके लेकर आए जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एक स्कीम। दूसरी चीज जो सरकार बात कर रही है वो ये कह रही है कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। अराउंड 5.35 लाख करोड़ रुपीस सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात कर रही है अंडर दी भारतमाला प्रोग्राम, ठीक है। तो 5.35 लाख करोड़ रुपीस जो है इनको कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, अगर अब आप देखें तो इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट सरकार रेज करने की बात कर रही है, जो 5.35 लाख करोड़ उनको कहां से लाया जाएगा, उसमें से आपके 2.09 लाख करोड़ जो हैं विल बी रेज एज डेट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, सरकार उसको एज अ लोन लेगी मार्केट से। 1.606 लाख करोड़ जो होंगे वो आपके एज अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। और 2.19 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो होंगे फ्रॉम एक्रूअल्स टू द सेंट्रल रोड फंड एंड टोल कलेक्शन, जो सरकार ने सेंट्रल रोड फंड बनाया हुआ, जो टोल जो सरकार कलेक्ट करती है वहाँ से आपका 2.19 लाख करोड़ रुपीस जो है वो लाया जाएगा। अब ये जो सरकार रिकैपिटलाइजेशन कर रही है बैंक्स की, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बैंक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, उनके स्ट्रेस की वजह से वो जो इंडस्ट्री है उसको लैंड नहीं कर पा रहे और इकॉनमी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है। इकॉनमिक ग्रोथ हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि कुछ 6% से भी लो आ गई थी लास्ट क्वार्टर के लिए। तो उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न यही है कि बैंक्स जो है वो खुल के लैंड नहीं कर पा रहे हैं, और खुल के लैंड ना करने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कि पहले बैंक्स को, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। तो दो हमने इसमें अभी तक, एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से कि हमने क्या क्या, हमने देखा कि सरकार 2.1 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी उसके लिए रिकैपिटलाइजेशन के लिए। ये पैसा एकदम से नहीं डाला जाएगा, इसको दो साल के अंदर धीरे धीरे जो है वो सिस्टम में लेकर आया जाएगा। और पैसा कैसे कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कहां से सोर्सेज आएंगे, वो हम यहां पर देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें।
तो अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे सवाल भी उठे थे सरकार के ऊपर कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है, सरकार जो है वो फेल हो रही है, ऑपोजिशन ने भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया था। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड शो की है और सब कुछ बताया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, इकोनॉमी जो है वो ठीक ट्रैक पर चल रही है। तो सरकार का क्या कहना है कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी गुड फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2017 इटसेल्फ, कि जो ग्रोथ है वो 2017 के आप देखेंगे कि सेकेंड क्वार्टर से जो है वो इम्प्रूव करनी शुरू कर जाएगी। 72,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सरकार ने कह दिया कि हमारा 72,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है और ये भी एक्सीड कर सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा होता है, एक तो उसमें प्राइवेट एक्सपर्टाइज आ जाएगी फिर आपकी, और सरकार का जो पैसा है वो खुल जाएगा और वो उसको फर्दर जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में या जहाँ पर नीड है वहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। हायर एफडीआई फ्लो, सरकार का ये कहना है कि एफडीआई देखो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है हमारे इकोनॉमी में, और ये एफडीआई जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट जो है रिजल्ट लाने लगेगी, जॉब क्रिएशन बढ़ने लगेगी, तो इसके रिजल्ट जो है वो शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और सरकार का ये भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी 7.5% ईयर के हिसाब से चल रही थी 2014 से लेकर 2017 तक, और 8% से भी ऊपर हो गई थी 2015-16 में। तो जो अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वार्टर में कम हुई है, ये डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से जो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है ये आगे चलकर इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी इकोनॉमी की क्या स्टेट है? फिस्कल डेफिसिट, सरकार का ये कहना है कि देखो फिस्कल डेफिसिट 2015 में अगर आप यहाँ पर देखें 2015 में 4.1 था, ठीक है, फिर 2016 के फाइनेंशियल ईयर में 3.9 हुआ, 2017 में 3.5 हुआ, 2018 के फाइनेंशियल ईयर में 3.2 का टारगेट है। तो आप देख रहे हैं कि क्लियरली जो है फिस्कल डेफिसिट को सरकार कंटिन्यूअसली नीचे लाने की कोशिश कर रही है, और सरकार का ये कहना है कि हम अभी भी अटल हैं अपने इस डेफिसिट को कम करने के लिए। ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखें, पिछले कुछ दिनों में आईएमएफ ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2017 और 18 की वो स्लो हो सकती है जो पिछली एक्सपेक्टेशंस थी उनसे। अब रिपोर्ट ने भी यही शो किया कि जो डीमोनेटाइजेशन है और जीएसटी है उनकी वजह से ये इफेक्ट आया है जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है। लेकिन अगर आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ को अगर आप कवर कर रहे हैं रेगुलरली तो आपने देखा होगा आईएमएफ की चीफ ने खुद बोला है कि ये जो इम्पैक्ट है ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के मीडियम और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की वो बढ़ने के चांसेस हैं। इन्फ्लेशन के बारे में भी सरकार का ये कहना है कि हमने इन्फ्लेशन को भी अंडर कंट्रोल रखा हुआ है और हम उसको 4% से बढ़ने नहीं देंगे और अभी भी उसको 4% के अंडर ही हमने रखा हुआ है। वहीं करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में भी सरकार का ये कहना है कि इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हुआ है, less than 2% है इस साल। और सरकार का क्या कहना है, सरकार ने भी ये बात मानी है कि जो ट्रांजिशनल इफेक्ट है, जो आपका डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में स्लो हुई थी, जो 6% से भी कम होकर आ गई थी, वो जो है ट्रांजिशनल इफेक्ट अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। सरकार का ये कहना है कि दैट इफेक्ट इज़ नाउ ओवर विद ऑल इंडिकेटर्स, चाहे वो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, कोर सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल हो, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो, वो अब ये शो कर रहे हैं कि ग्रोथ ने पिकअप करना जो है वो शुरू कर दिया है। देर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरी गुड ग्रोथ फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर इटसेल्फ, ऐसा जो है सरकार का कहना है। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, हमने अभी पीछे देखा था कि सरकार रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करने की बात कर रही है बैंक्स को कैपिटलाइज करने के लिए। तो ये बॉन्ड्स किस, इन बॉन्ड्स का नेचर क्या होगा, अभी तक इस पर कोई डिसाइड नहीं किया गया, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि आने वाले टाइम में 1-2 महीने में हम इन बॉन्ड्स के नेचर के बारे में डिसाइड कर लेंगे। ही ऑल्सो एडिड दैट द इम्पैक्ट फ्रॉम द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑन फिस्कल डेफिसिट वुड बी डिटरमाइंड बाई द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड एज टू हु द इशूइंग अथॉरिटी वुड बी। अब सरकार कहती रहती है कि हमें फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना है, फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हैं क्या, आप बॉन्ड इशू कर रहे हो और उसके रिटर्न में आप मार्केट में से पैसा उठा रहे हो, मार्केट में से पैसा उठा रहे हो तो आपका डेफिसिट बढ़ेगा। तो सर लोगों का ये कहना है कि फिर फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो मेंटेन्ड कैसे रहेगा। तो सरकार ने ये कहा है कि अभी ये फिस्कल डेफिसिट पे जो हम बॉन्ड्स इशू करेंगे उनका क्या इंपैक्ट रहेगा वो आने वाले 1-2 महीने में पता चल जाएगा, और वो डिपेंड करेगा कि उन बॉन्ड्स का नेचर क्या है। वही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है अरविंद सुब्रमण्यम, उनका भी ये कहना है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स आर यूजुअली ट्रीटेड एज डेट, ठीक है, जनरली उनको एज ए डेट ट्रीट किया जाता है, बट देयर इफेक्ट ऑन द फिस्कल डेफिसिट डिपेंड्स ऑन हु इज इशूइंग द बॉन्ड्स, कि कौन बॉन्ड इशू कर रहा है एंड देयर ट्रीटमेंट, और उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। जैसे जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो आपका IMF है, वो ऐसे बॉन्ड्स को फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करता है और वो कंट्री का फिस्कल डेफिसिट जो इंक्रीज करके नहीं शो करते हैं। तो एक कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड्स का नेचर क्या है, उनको कौन इशू कर रहा है और क्या मार्केट है। तो वो जब सरकार लेके आएगी नॉर्म तब हम देख लेंगे।
उसके बाद सरकार ने, जैसे हमने अभी पीछे भी देखा कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने की बात कर रही है, 5.35 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो रोड प्रोजेक्ट में लगाने की बात कर रही है, ठीक है, सॉरी ये सागरमाला नहीं, भारतमाला परियोजना है आपका, तो भारतमाला में इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार 5.35 लाख करोड़ रुपीज़ जो है खर्च करने की बात कर रही है। इट विल जनरेट अराउंड 14.2 करोड़ मैनडेज ऑफ जॉब्स। तो सरकार का कहना है कि इससे एक तो जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है, दूसरी चीज़ सरकार का ये कहना है कि ये जो कवर करेगा प्रोजेक्ट, जो आपका जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या कौन से रोड्स जो हैं वो डेवलप करे जाएंगे। तो सरकार का ये कहना है कि द भारतमाला प्रोजेक्ट विल इंक्लूड इकोनॉमिक कॉरिडोर 9,000 किलोमीटर्स के लिए, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट 6,000 किलोमीटर्स, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशेंसी इंप्रूवमेंट 5,000 करोड़, बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वो भी इसमें आ जाएगा 2,000 किलोमीटर्स अराउंड वो होगा, कोस्टल रोड्स एंड पोर्ट को भी यहाँ पर डेवलप करने की बात की जा रही है अराउंड 2,000 किलोमीटर में, एंड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज जो आपके एक्सप्रेसवेज हैं अराउंड 800 किलोमीटर्स के, उनको भी डेवलप किया जाएगा। फर्दर द रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ 10,000 किलोमीटर अंडर द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, वो भी इसी प्रोग्राम का पार्ट रहेगा। सरकार का ये भी कहना है कि हम नए रूट्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, जो रूट्स डिस्टेंस में भले ही लंबे होंगे लेकिन उनका जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो कम होगा, नए नए हाईवेज़ बना देंगे, वो भले ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं तो 300 किलोमीटर पड़ रहा है आपको, लेकिन उसमें आपको 5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन सरकार एक ऐसा नया रूट बना देगी जिसमें आपको किलोमीटर 400 पड़ेंगे लेकिन टाइम जो लगेगा वो सिर्फ 3 घंटे का लगेगा, तो वो भी इसमें सरकार कवर करने की बात कर रही है। इंप्लीमेंटेशन, अब इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा, द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपकी NHAI है, एंड नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ये बॉडी है, एंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और सेंटर ने इस प्रोजेक्ट के लिए टारगेट भी रखा है कि भैया ये 5 साल में हमें जो टारगेट है इसको अचीव करना है। और इसमें देख लेते हैं इस भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या है, कनेक्टिविटी टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। अभी क्या होता है, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके जो उन्होंने अपना प्लांट वगैरह सेट किया होता है किसी रूरल एरिया में, किसी बैकवर्ड एरिया में, तो वहाँ पर प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो उनको प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी देने की बात की जा रही है, ठीक है, ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में कम समय में लेके आ सकें, ठीक है, और कम दिक्कतों से वो उसको मार्केट में पहुँचा सकें। नेशनल हाईवे से उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके, जहाँ पर उनकी इंडस्ट्री है उसको डायरेक्टली नेशनल हाईवे से कनेक्ट करके एक रोड बना दिया जाए। लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने की सरकार इससे बात कर रही है। सरकार का कहना है कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इंडिया कुड गेट द मच नीडेड कॉस्ट कॉम्पिटेटिवनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय ब्रिंगिंग डाउन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट विच इज करेंटली वन ऑफ द हाइएस्ट अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स एंड वे अबव द प्रीवेलेंट इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब लॉजिस्टिक सपोर्ट में क्या होता है, अभी आपको एक ट्रक है, टूटी फूटी सड़कें हैं, उसको 4 दिन लग जाते हैं एक जगह पर पहुँचने में, वहीं अगर वो आपकी रोड्स अच्छी हैं, स्मूथ रोड्स हैं, ठीक है, हाई स्पीड रोड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो और वो जो ट्रक है वो उस डिस्टेंस को 4 दिन की जगह 2 दिन में कवर कर लेता है, तो वो कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम आ जाती है, आपको ड्राइवर को कम पैसा देना होगा, ठीक है, आपकी जो ट्रक की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और अगर आपका कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है उस ट्रक में, फॉर एग्जांपल आप फ्लावर्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो खराब होने के जो चांसेस हैं, लीकेजेस के जो चांसेस हैं, वो भी कम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड टेक्सटाइल ज्वाइंट हैंड्स अंडर न्यू इनिशिएटिव साथी SAATHI, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी जो है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्री। तो ये जो इनिशिएटिव है ये दो मिनिस्ट्रीज ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और टेक्सटाइल का है। अंडर दिस इनिशिएटिव एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, वुड प्रोक्योर एनर्जी एफिशिएंट पावर लूम्स, मोटर्स एंड रिपेयर किट्स इन बल्क एंड प्रोवाइड देम टू द स्मॉल एंड मीडियम पावर लूम यूनिट्स एट नो अपफ्रंट कॉस्ट। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपकी EESL बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर है, ये क्या करेगी, जो पावर एफिशिएंट पावर लूम्स हैं, ठीक है, अब पावर एफिशिएंट पावर लूम्स कौन से हो गए, जो आपकी कम बिजली खा रहे हैं चलने में, ठीक है, वैसे पावर लूम्स को जो है वो प्रोक्योर करेगी और वो स्मॉल एंड मीडियम पावर लूम यूनिट्स जो हैं उनको प्रोवाइड करेंगे एट नो अपफ्रंट कॉस्ट। अब नो अपफ्रंट कॉस्ट क्या होता है, वो उन लोगों से कोई पैसा नहीं लेंगे जो आपके स्मॉल एंड मीडियम पावर लूम यूनिट्स हैं, वो उनसे जब उनको वो मशीनरी प्रोवाइड करेंगे तब उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
उन जो स्मॉल एंड मीडियम पावरफुल यूनिट्स, पावरलूम यूनिट्स हैं, उनको क्या करना होगा, उनको 3 से 4 साल में वो पैसा लौटाना होगा। और वो पैसा भी लौटाने में उनको ऐसा नहीं है कि उनकी किस्तें बना दी जाएंगी, उनको ये बोला जाएगा कि भैया देखो तुम्हारा अभी बिल फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये आता है, हम तुम्हारे को ये नया पावर लूम लगा कर दे रहे हैं, ठीक है, नया पावर लूम लगा कर दे रहे हैं, इससे तुम्हारा जो बिजली का खर्चा है वो कम होकर 1500 रुपये हो गया, ठीक है, तो तुमने 500 रुपया बचाया। तो इन 3 से 4 साल तक जितना तुमने अपना बिजली में पैसा बचाया, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया बचाया था, तो वो तुम 500 रुपया हर महीने हमें दे दो, ठीक है, ये ही तुम्हारी जो पावर लूम होगा इसकी कॉस्ट होगी। तो इससे जो है बर्डन नहीं पड़ेगा उस पर, जो क्योंकि वो तो अभी भी 2000 रुपये भर रहा है और उसको 3-4 साल तक 2000 रुपये ही भरने हैं, लेकिन वो आगे चल के जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा और अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा वो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा, इट विल बी जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाई EESL जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है एंड द ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर ऑन पैन इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया में इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं GS2 प्रोसीजर टू रिमूव ECs वेग सेस पिटीशन इन SC। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक पिटीशन डाल दी है, तो पिटीशन ये आर्ग्यू कर रही है कि दैट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 324(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम आर्बिट्ररी रिमूवल। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट जस्ट लाइक अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज साइलेंट अबाउट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द टू इलेक्शन कमिश्नर्स। अब इसमें चीज़ क्या है, अब इसमें आपका अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो उसमें आपके अभी एक इलेक्शन कमिश्नर है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में प्रोवाइड किया गया है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके सस्पेंशन, उसको कैसे हटाया जा सकता है उसकी पोस्ट से, उसकी टर्म खत्म होने से पहले, उसका सारा प्रोसीजर गिवन है। और उसमें लिखा हुआ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। अभी हम उस डिटेल को डिस्कस नहीं करेंगे कि जो हटाने का प्रोसेस है वो क्या है, उसमें प्रॉपर पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ता है, उसके बाद पार्लियामेंट में एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और भी लोग होते हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है पूरा प्रोसेस उसमें गिवन है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स का कोई ऐसा प्रोसेस गिवन नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए सीधा सीधा बस इतना लिखा गया है कि प्रेजिडेंट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा सकते हैं ऑन आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए जो हटाने का प्रोसेस है वो काफ़ी आर्बिट्ररी है, उस पर कोई प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं बनी हुई है। तो पिटीशन का ये कहना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका टेन्योर जो है वो सेम होता है, अब मैक्सिमम 6 ईयर्स का या फिर 65 ईयर्स की एज तक, ठीक है, वो सेम स्टेटस इंजॉय करते हैं, सेम सैलरी रिसीव करते हैं, ठीक है, सेम पर्क्स उन्हें मिलते हैं जैसे बाकी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मिलते हैं, ठीक है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स भी सेम होती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इन्होंने डिसीजन मेक करना होता है तो हर आदमी के पास, हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पास एक वोट होता है और वोट से ही डिसीजन लिया जाता है, तो पावर्स भी उनके पास सेम है, लेकिन उनको सेम प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है जैसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल रही है। तो PIL में ये कहा गया है कि जो प्रोसीजर है उसको सेम कर देना चाहिए EC और EC के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। बाकी कल 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे था, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस डे पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना कुछ मैसेज दिया था, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये UN डे के बारे में जान ले। सो UN डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ एंट्री इनटू फोर्स इन 1945 ऑफ द UN चार्टर, ठीक है, इस दिन में UN चार्टर जो था वो फोर्स में आ गया था, क्योंकि जो रेटिफाई कर दिया था, जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट था मेंबर कंट्रीज ने उसको रेटिफाई कर दिया था मेजॉरिटी ऑफ सिग्नेटरीज ने, और जो आपके 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल थे उन्होंने इस दिन पे 1945 में रेटिफाई कर दिया था आपके UN चार्टर को, ठीक है। तो 24 अक्टूबर जो है वो 1948 से लेके आज तक एज UN डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1971 में UNGA ने ये भी रिकमेंड किया था कि ये जो 24 अक्टूबर है ये मेंबर कंट्रीज़ में ऐसा नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक छोटी सी न्यूज़ है, पिछले साल न्यूज़ में था कि मध्य प्रदेश ने ये कहा है कि हम अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर, जो फिस्कल ईयर है उसको शिफ्ट कर रहे हैं जनवरी टू दिसंबर। अभी जनरली जो हमारी कंट्री में स्टेट्स में और जो नेशनल लेवल पे भी जो फिस्कल सिस्टम फॉलो किया जाता है वो अप्रैल टू मार्च का फॉलो किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने ये कहा था कि अब से हम भैया जनवरी से दिसंबर करेंगे। तो अभी अपनी बात से पलट गए हैं, इनका ये कहना है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे, हम जनवरी से दिसंबर नहीं, हम अपना जो पिछले वाला सिस्टम है अप्रैल से मार्च वाला वो ही रखेंगे, हम जनवरी से दिसंबर तभी करेंगे जब सेंटर भी वैसा कर लेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अभी अपनी बात से जो है वो यहाँ पर पलट गए हैं। तो इसमें इतना ही था, ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही था।
थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, उससे आपको जो है रेगुलरली जो है आपके अपडेट्स मिलते रहेंगे, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलना, उससे आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ जो प्रीलिम्स क्यूएस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसका लिंक आपको अभी स्क्रीन पे आपके मिल जाएगा, वो आप देखना मत भूलना, उससे आपको प्रीलिम्स के रेगुलरली क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है और आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी मच।